गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट का क्लास में हम आप लोगों को क्लास जो इसी क्लास का क्लास सेवन का जो फर्स्ट चैप्टर था प्लांट टिश्यू वो पढ़ा चुके हैं और उसका जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं आप लोग उसको मिल गया है सर। जैसे कि लास्ट ईयर क्लास सिक्स में आप लोग एक फाइल मेंटेन करते थे, ऐसे ही इस साल भी आप लोग फाइल मेंटेन कीजिएगा। बोर्ड में जो हम लिखेंगे वो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में ड्राइंग करेंगे और राइट हैंड साइड में जो कि हम दिए हैं एक्सरसाइज सॉल्व करके एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वो मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि आखिर में जाके वो कॉपी हम लोग चेक करेंगे। तो सारा लिख लीजिएगा। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर टू। चैप्टर टू में है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू पढ़ने के पहले थोड़ा सा आगे की जो चैप्टर था क्लास सेवन का, मतलब चैप्टर वन में प्लांट टिश्यू, उसके साथ एक चीज कॉमन है कि जैसे प्लांट का बॉडी प्लांट टिश्यू से बनते हैं, ऐसे ही एनिमल का बॉडी एनिमल टिश्यू से बनते है। एंड व्हाट इज टिश्यू, बोथ आर सेम। टिश्यू मतलब अ ग्रुप ऑफ सेल वॉक टूगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू भी ऐसा ही है। एनिमल टिश्यू आप लोगों का चार टाइप डिविजन दिखाई दे रहे हैं, चार टाइप का होते हैं एनिमल टिश्यू। उसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू, मास्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। नाम याद रखिएगा, एपिथेलियल टिश्यू, मास्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो पहले शुरू करने जा रहे हैं हम लोग एपिथेलियल टिश्यू से। तो एपिथेलियल टिश्यू देखिएगा, एपिथेलियल टिश्यू एक्चुअली हम लोगों का बॉडी के ऊपर वाला जो लेयर्स है, जैसे कि स्किन का ये जो लेयर, ये लेयर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर बॉडी, ये भी तैयार होते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। एंड इनर लेयर जो है, मतलब हम लोगों का बॉडी के अंदर वाला हिस्से में जो लेयर होता है, मे भी कई ऑर्गन्स है हम लोगों का बॉडी में, उसका भी लेयर होता है, उसका बाहर वाला अंदर वाला जो लेयर होते हैं जिससे वो चीज बनते हैं, वो ऑर्गन बनते हैं, वो तैयार करते हैं ये एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू जो कि हम लोगों का स्किन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये लेकिन कई तीन चार लेयर में होते हैं। तीन चार लेयर का एपिथेलियल टिश्यू मिलकर हम लोगों का स्किन तैयार करते हैं। और हम लोग का बॉडी के अंदर में जो सरफेस होता है उसका जो लाइनिंग, वो लेकिन यही एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं। जैसे कि हम लोगों का बॉडी में जो स्टोमक है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, विंड पाइप एंड फूड पाइप, मतलब इसोफेगस जो है, वो सारा उसका बॉडी का उसी ऑर्गन का बाहर वाला लेयर एंड अंदर वाला लेयर सभी बनाते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो ये एपिथेलियल टिश्यू, इसमें क्या होते हैं, जो सेल्स मिलकर ये बनाते हैं, ये सेल सब टाइटली पैक्ड होते हैं, कहीं कुछ अंदर में कोई दो सेल के बीच में कोई गैपिंग नहीं होता है, एकदम क्लोजली पैक होता है। एंड सभी के अंदर में एक न्यूक्लियस ऑफ कोर्स रहते हैं। एंड जैसे कि ये सब पास पास टाइटली पैक होते हैं, इसीलिए दो सेल के बीच में कोई इंट्रासेलुलर स्पेस भी नहीं है और वो स्पेस भरने वाला कोई चीज इसका जरूरत भी नहीं है। और ये जो चीज है इसको जो शेप होता है, मतलब एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो सेल्स होता है, उस सेल्स का स्ट्रक्चर या शेप के हिसाब में इन लोगों को थ्री टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला है स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा है कलमनर एपिथेलियम टिश्यू एंड तीसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो पहले शुरू करते हैं स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से। स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू में देखिएगा, ये ऐसा ड्राइंग किया है, ऐसे ये ड्राइंग आप लोग कर लीजिए। ये जो एपिथेलियम टिश्यू आप लोग दिखाई दे रहा है, एकदम फ्लैट सर्फेस वाला पतला सा एक लेयर्स होते हैं इसका, फ्लैट सर्फेस। इसका जो शेप है ये हेक्सागोनल हो सकता है, हेक्सागोनल मतलब सिक्स इसका साइड होता है, और नहीं तो इरेगुलर शेप में भी ये आते हैं, ठीक है। और इसका जो लाइन है हम लोगों का बॉडी के अंदर,
इससे बनते हैं, जैसे कि बॉडी के अंदर लंग्स या फुट पाइप या विंड पाइप, इसके बॉडी इस उसी के अंदर वाला जो लाइनिंग है, जो पोर्शन है, उसे बनते हैं, बनाते हैं ये। और हम लोगों का जो स्किन, ये भी स्किन का पोर्शन भी स्क्वामस एपिथेलियम जिससे बनते हैं। और लेकिन दो तीन लेयर, जैसे बोले हैं पहले, दो तीन लेयर से हम लोग का स्किन, ये बाहर वाला स्किन जो है, बाहर वाला जो लेयर्स ऑफ आवर स्किन हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये दो तीन लेयर्स है, मल्टी लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू आर प्रेजेंट देयर। ओके, सो दिस इज स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। और इसका काम क्या है? इसका काम हम लोगों का बॉडी के अंदर वाला हिस्सा जो भी है, ऑर्गन्स जो भी है, सभी को प्रोटेक्शन देना, एंड बाहर से कोई चीज हम लोगों का बॉडी में नहीं जा सके, इसका ख्याल रखता है, जैसे कि कोई भी जर्म्स बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं, ठीक है। और सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है, यही है इसका काम, ठीक है। तो काम एंड फंक्शन एंड उसका जो शेप एंड साइज, ये आप लोग को याद करना है। नेक्स्ट है कलमनार एपिथेलियल टिश्यू। कलमनार मतलब कलम की तरह, ऐसे लाइन बाय लाइन स्ट्रेट सीधा सीधा खड़ा होता है, कलम की तरह। तो इसके लिए इसको कहते हैं कलमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो ये टिश्यू का भी स्ट्रक्चर आप लोग देखिएगा, ये अगर ऊपर से देखे, ऊपर से हम लोग देखेंगे तो देखेंगे ऐसे ही फ्लैट दिखाई दे रहा है, लेकिन साइड से देखेंगे मतलब लैटरल व्यू जो होते हैं उसी से हम लोग देखेंगे तो ये लेंथ इसका ज्यादा दिखाई देता है और वाइड कम, और लेंथ ज्यादा कुछ हाइट आप लोगों को दिखाई देता है, उसका अंदर एक न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियस जो है वो नीचे की तरह रहते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस भी इसका है प्रेजेंट, और इसका साइड बाय साइड एक सेल के पास दूसरा सेल ऐसे रहते हैं कि उसके बीच में कोई जगह, देखिए बीच में कोई गैपिंग नहीं है, और इसके लिए बीच में कोई चीज रहने का भी मतलब इंटर सेलुलर सब्सटेंस कोई जरूरत नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का बॉडी का अंदर जो लंबा ऑर्गन्स है, लंबाई में ज्यादा दिखाई देता है वहां पर, जैसे कि हम लोगों का बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन जो होते हैं, इंटेस्टाइन एक लंबा सा ट्यूब है, आप लोग क्लास सिक्स में देखे हैं। फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स जो हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग पड़े हैं, उसके अंदर ये दिखाई देते हैं कलमनार एपिथेलियल टिश्यू, एंड स्टोमक में भी ये रहते हैं। ओके, तो ये हो गया कलमनार एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू इसका देखिए, ऊपर से देखेंगे तो ऐसे ही फ्लैट दिखाई देगा, लेकिन साइड से देखोगे तो इसका हाइट क्यूबॉइडल दिखाई देगा, मतलब क्यूब की तरह। इसका हाइट एंड ब्रेथ थोड़ा एक जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसको क्यूबॉइडल माना जाता है। और इसका भी न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस यूजुअली सेल के बीच में मिडिल पोर्शन में रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हम लोगों का बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स रहते हैं, उस ग्लैंड्स के अंदर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू दिखाई देता है। जैसे हम लोगों का बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड जो गले में रहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड जो कि मुंह के अंदर रहते हैं, आप लोग क्लास सिक्स में पढ़े हैं मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड रहते हैं जिसे कि सलाइवा निकलते हैं, पैंक्रियस जो है उसे भी कई तरह की एंजाइम्स निकलते हैं, लीवर जो है उसे बाइल निकलते हैं, क्लास सिक्स में ये सब हम लोग पढ़े हैं, ये सब ग्लैंड जहां से कुछ सिक्रीशन होते हैं वहां पर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू रहते हैं। और किडनी के ट्यूबल्स जो है, किडनी के ट्यूबल्स जो है, किडनी के जो मेन पोर्शन उसके बाद जो ट्यूबल्स है वो भी एक लंबा सा पोर्शन है, उसमें भी कुछ सिक्रीशन होता है एंड एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो उसी जगह पर भी ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू दिखाई देते हैं। तो ये हो गया इसका इन सभी का स्ट्रक्चर। अभी इन लोगों का फंक्शन देखना है। फंक्शन
अगर सबका फंक्शन हम लोग एक साथ देखे तो देखिएगा एपिथेलियल टिश्यू एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है। प्रोटेक्टिव टिश्यू मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा या अंदर वाला हिस्सा ऐसे ये बनते हैं जिसे कि हम लोगों को बॉडी के अंदर वाला जो ऑर्गन्स है उसको एक प्रोटेक्शन मिले, मतलब बाहर से कोई भी चीज अंदर आने से ये लोग रुकते हैं। कहीं भी अगर लग जाएगा आप लोगों को इंजर्ड होने का चांस है तो इसमें इंजरी होता है, बॉडी के अंदर वाला ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट रखते हैं। इंजरी स्किन के ऊपर होते हैं या लाइनिंग के ऊपर होते हैं। अंदर वाला जो ऑर्गन्स जो कि मेन फंक्शन करते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं हम लोग का बॉडी में, तो उसे बचाते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो ये इसका मेन फंक्शन है कि ये इंजरी से हम लोगों का बॉडी का ऑर्गन्स को बचाते हैं एंड हम लोगों का बॉडी का एक प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर के हिसाब में काम करते हैं एंड बाहर से अंदर जाने के लिए जर्म्स को रोकते हैं। कई भी जर्म्स बॉडी के अंदर जा नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर कोई गैपिंग नहीं है, कोई जर्म्स एंट्री नहीं ले सकता है। तो इसीलिए ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो करते हैं प्रोटेक्शन देते हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि हम लोग देखे हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू ऐसे कुछ ग्लैंड में रहते हैं। So, ये सब ग्लैंड क्या करते हैं, कुछ एंजाइम सिक्रीशन करते हैं या कोई हार्मोन सिक्रीशन करते हैं, तो वो सब करने में मदद करता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो वो भी एक एपिथेलियल टिश्यू है जो कि ग्लैंड के हिसाब में जो काम करते हैं, तो उसमें से कुछ सिक्रीशन होते हैं, मे बी डाइजेस्टिव जूस जो कि हम लोगों को डाइजेशन में मदद करते हैं, और कोई कई तरह की हॉर्मोन्स भी हो सकता है जो हम लोगों का बॉडी में कई फंक्शन करते हैं, तो ये सब काम भी ये करते हैं। नेक्स्ट और एक काम करते हैं कि ये हम लोगों का बॉडी में, जैसे हम बोले हैं कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू नहीं, कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू, जो कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू हम लोग का इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। इंटेस्टाइन में हम लोग क्लास 6 में देखा है, इंटेस्टाइन का और एक काम है कि इंटेस्टाइन जो खाना उसके अंदर से डाइजेस्ट होने के बाद जो हम लोग देखे थे भिल्ली नाम का एक चीज है जो खाना के अंदर से न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये एब्जॉर्ब करने का काम भी ये कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू कर सकते हैं। तो कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू का और एक इंपॉर्टेंट काम है एब्जॉर्ब करना, जो कि इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। इंटेस्टाइन में से जब खाना डाइजेस्ट होने के बाद जाते हैं तो खाने का वो डाइजेस्टिव पोर्शन से जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने का काम वो भी करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और कुछ ग्लैंड्स हैं जैसे स्वेट ग्लैंड्स, जैसे किडनी के अंदर ये रहते हैं, तब ये हम लोगों का बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी की बाहर निकलने से भी मदद करते हैं। तो कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू या क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो किडनी में रहते हैं वो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में, मतलब एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। तो ये चार है इसका मेन फंक्शन, ये आप लोगों को पढ़ना है, ओके। तो इसके बाद आप लोगों को ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट नोट दिया है आप लोगों का बुक में, देखिएगा ग्लैंड जो है हम लोगों का बॉडी में रहता है जो कुछ चीज सिक्रेट करते हैं, वो ग्लैंड में जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू रहता है वो कुछ चीज सिक्रिएट करते हैं, जो सिक्रेशन से हम लोगों का बॉडी का कई फंक्शन चलते हैं। मेटाबॉलिक फंक्शन में, मेटाबॉलिक फंक्शन में डाइजेस्टिव जूस जब निकलते हैं तो मेटाबॉलिज्म में खाना जो डाइजेस्ट होने का काम वो करने में मदद करता है, एंड हॉर्मोन्स जो है वो हम लोगों का बॉडी में कई फंक्शन करते हैं, तो ये सब करने में ग्लैंड से निकलता हुआ जो सिक्रेशन वो मदद करते हैं, वो लेकिन कोलमनर टिश्यू से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का एपिथेलियल टिश्यू के बारे में सारा जानकारी, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा, आप लोग ये जो ड्राइंग आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में व्हाइट पेज में कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम मस्कुलर टिश्यू डिस्कस करेंगे, तब मस्कुलर टिश्यू ड्राइंग करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए ये ड्राइंग कर लीजिए और याद कर लीजिए, ओके बाय।